टॉपिक आज का आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले आरएनए की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में आरएनए स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में आरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए व राइबोसोमल आरएनए के रूप में राइबोसोम में उपस्थित होता है। इसके अलावा आरएनए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया व यूकेटिक सेल्स के क्रोमोसोम में अल्प मात्रा में पाया जाता है। कुछ एनिमल व प्लांट वायरस में भी आरएनए जेनेटिक मेटेरियल के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में आरआरएनए, टीआरएनए व एमआरएनए के रूप में राइबोसोम में उपस्थित होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट व यूकेटिक सेल्स के क्रोमोसोम में अल्प मात्रा में पाया जाता है। कुछ प्लांट व कुछ एनिमल वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। एंड प्लांट वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार आरएनए साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ये आरएनए, टीआरएनए व एमआरएनए के रूप में राइबोसोम में उपस्थित होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट व यूकेटिक सेल्स के क्रोमोसोम में अल्प मात्रा में आरएनए पाया जाता है। सम एनिमल्स कुछ जंतुओं व प्लांट्स के वायरस में यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, आरएनए की संरचना की, राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना स्ट्रक्चर। आरएनए की संरचना डीएनए के समान लगभग समान डीएनए के लगभग सॉरी आरएनए की संरचना डीएनए के समान निरूपित होती है। आरएनए अणु
आरएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्मित सिंगल स्टैंडर्ड व असाकित संरचना यह श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला यह चैन कोइलेड होकर हेलिकल आकृति ग्रहण कर लेती है हेलिकल आकृति ग्रहण कर लेती है। आरएनए अणु में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए अणु में राइबोज शुगर पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन व यूरोसिल पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजिनस बेस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन व यूरेसिल पाई जाती है, जो लगभग डीएनए के समान है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन पाई जाती है, थायमिन क्षारक पाया जाता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन पाई जाती है, अब इसके कार्यों के आधार पर इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। आरएनए को बांटा गया है। पहला है जेनेटिक कार्यों के आधार पर, आरएनए, सेकंड है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। अब बात करते हैं जेनेटिक आरएनए क्या होता है। जेनेटिक ऐसे सजीव जिनमें जैसे कुछ प्लांट वायरस, एनिमल वायरस व बैक्टीरियोफेजस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, अर्थात उनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, उसे जेनेटिक आरएनए कहते हैं। यह जेनेटिक आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड व डबल स्टैंडर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है, जेनेटिक आरएनए में डीएनए के समान नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम पाया जाता है। अब बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए की। नॉन जेनेटिक आरएनए ऐसा सजीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, अर्थात आरएनए पृथक अवस्था में पाया जाता है या पृथक आरएनए पाया जाता है, तो उसे पृथक आरएनए पाया जाता है जिसमें
आनुवंशिक सूचनाओं का संप्रेषण, जो आनुवंशिक सूचनाएं संप्रेषित नहीं करता है उसे नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक आरएनए। प्लांट वायरस, प्लांट एंड एनिमल वायरस, एंड बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस में आरएनए एकमात्र जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जेनेटिक आरएनए ये सिंगल स्टैंडर्ड व डबल स्टैंडर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड व डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। प्लांट एंड एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेजेस में आरएनए एकमात्र जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, अर्थात इनमें डीएनए नहीं पाया जाता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड व डबल स्टैंडर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है, यह है सिंगल व डबल स्टैंडर्ड। दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए में डीएनए के समान नाइट्रोजन क्षारक नाइट्रोजिनस बेस पेयर में पाए जाते हैं। जेनेटिक आरएनए प्लांट कुछ प्लांट्स एंड एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेजेस में आरएनए एकमात्र जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, लेकिन इनमें डीएनए एब्सेंट होता है, तभी इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। यह डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए में डीएनए के समान नाइट्रोजिनस बेस पेयर में पाए जाते हैं। प्लांट वायरस, नेम ऑफ वायरस, टाइप ऑफ आरएनए, प्लांट वायरस जैसे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं वाउंड ट्यूमर,
वाउंड ट्यूमर में भी इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेजस। बैक्टीरियोफेजस एमएस टू बैक्टीरियोफेजस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है इसमें भी। इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार प्लांट वायरस टीएमवी व वाउंड ट्यूमर में, टीएमवी में टोबैकोमोजिक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और वाउंड ट्यूमर में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेजस एमएस2 में, एमएस2 के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट नॉन जेनेटिक आरएनए की। नॉन जेनेटिक आरएनए वे सभी सजीव, ऐसे सजीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है और पृथक उनमें पृथक प्रकार का आरएनए उपस्थित होता है। पृथक प्रकार का आरएनए पाया जाता है। यह आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं को संप्रेषित नहीं करता है तो उसे नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसका संश्लेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए टेम्पलेट के द्वारा होता है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। वे सभी सजीव जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है तथा आरएनए पृथक प्रकार का मिलता है तथा आरएनए पृथक मिलता है आरएनए पृथक प्रकार का मिलता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आनुवंशिक सूचना संप्रेषित नहीं करता है, संप्रेषित नहीं करता है। नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है, नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल
स्ट्रैंडेड होता है, एकल रज्जुकी होता है। इसका संश्लेषण सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए टेम्पलेट के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए टेम्पलेट के द्वारा होता है, डीएनए टेम्पलेट के द्वारा होता है। अब बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस का। मेन फंक्शन, मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का संश्लेषण करना। नॉन जेनेटिक आरएनए वे सभी सजीव जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, तथा आरएनए पृथक प्रकार का होता है जो आनुवंशिक सूचना को संप्रेषित नहीं करता है, नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। यह एकल रज्जुकी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका संश्लेषण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए टेम्पलेट के द्वारा होता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब नॉन जेनेटिक आरएनए को भी तीन भागों में, या नॉन जेनेटिक आरएनए तीन प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए व आरआरएनए टाइप। टीआरएनए, एमआरएनए व आरआरएनए, इस प्रकार नॉन जेनेटिक आरएनए तीन प्रकार का होता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए व राइबोसोमल आरएनए। अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसे टेम्पलेट आरएनए, एस्थाई आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कहते हैं। इसे टेम्पलेट आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, एस्थाई आरएनए, दूत आरएनए भी कहते हैं, यह सेलुलर आरएनए, आरआरएनए में इसकी मात्रा, सेलुलर आरआरएनए में एम मैसेंजर आरएनए की मात्रा 5-10% होती है। सेलुलर आरएनए में इसकी मात्रा 5-10% होती है, 5-10% होती है। इसका संश्लेषण मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण
इसका संश्लेषण डबल स्टैंडर्ड डीएनए के किसी तज्जु के पूरे के स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की भांति होता है इसे टेम्पलेट आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐसा आरएनए या दूत आरएनए भी कहते हैं। इसका संश्लेषण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के किसी रज्जु के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक स्ट्रैंड्स की भांति होता है। इसमें शार्कों का व्यवस्थाक्रम मूल डीएनए के समान होता है, लेकिन इनमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है इसी वजह से इसमें मूल डीएनए के समान शार्कों का व्यवस्थाक्रम अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन केवल एक शारक थायमिन के स्थान पर इनमें यूरेसिल पाया जाता है। शारक अर्थात डीएनए के थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है इनका संश्लेषण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के किसी रज्जु के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की भांति होता है। इसी वजह से मूल डीएनए के समान इनके अंदर भी शार्कों का व्यवस्थाक्रम अरेंजमेंट पाया जाता है। केवल एक शार्क अर्थात डीएनए के थायमिन के स्थान पर इनमें यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन शारक पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर यूरेसिल शारक पाया जाता है। यह संश्लेषण के पश्चात एमआरएनए संश्लेषण के पश्चात केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित हो जाता है, कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी कुछ मात्रा राइबोसोम पर इकट्ठी हो जाती है। राइबोसोम पर उपस्थित एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है एमआरएनए संश्लेषण के पश्चात न्यूक्लियस के बाहर आकर साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित हो जाता है। साइटोप्लाज्म
में उपस्थित राइबोसोम पर कुछ अणु एकत्रित हो जाते हैं, कुछ अणु एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात एमआरएनए पर उपस्थित राइबोसोम पर उपस्थित एमआरएनए राइबोसोम पर उपस्थित एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है एमआरएनए का अनुभार 5 से 20 लाख डोल्टन होता है। इसका सेडिमेंशन यूनिट एटीएस होती है। एमआरएनए का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट या अनुभार 5 से 10 लाख डोल्टन होता है तथा इसका अवसादन गुणांक एटीएस होता है। अब बात करते हैं इसके मेन फंक्शन की, एमआरएनए के फंक्शन की। गुणसूत्री डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचना का संप्रेषण करना। होता है मेन फंक्शन इसका। गुणसूत्री डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइटोप्लाज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का संप्रेषण करना। गुणसूत्री डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइटोप्लाज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का संप्रेषण करना होता है। इसका मेन फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम में पाया जाता है। यह सेलुलर आरएनए का लगभग 80% भाग होता है, 80% मात्रा होती है आरआरएनए।
नेक्स्ट अपना सेकंड टायर आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए ये है इसकी मात्रा सेलुलर सेलुलर आरएनए में 80% होती है 80% होती है इसकी मात्रा 80% होती है राइबोसोम में राइबोसोम आरआरएनए द्वारा द्वारा निर्मित होता है लगभग राइबोसोम का 50 से 65% आरएनए द्वारा होता है राइबोसोम का लगभग 50 से 65% भाग आरएनए द्वारा निर्मित होता है और शेष भाग प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है लगभग राइबोसोम का 50 से 65% भाग आरआरएनए द्वारा निर्मित तथा शेष भाग तथा शेष भाग प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है तीनों प्रकार के आरएनए में से आरआरएनए सेलुलर आरआरएनए का सबसे अधिक भाग होता है सेलुलर आरएनए का सबसे अधिक भाग होता है इसे इनसोल्युबल आरएनए भी कहते हैं इसे इनसोल्युबल आरएनए भी कहते हैं इसका निर्माण राइबोसोम में यूकेरियोटिक सेल्स के राइबोसोम में आरआरएनए 3-डायमेंशनल कणों में पाई जाती है ट्वेंटी एट एस एटीन एस व फाइव एस यूकेरियोटिक सेल्स के राइबोसोम में आरआरएनए 3-डायमेंशनल यूनिट्स या कणों में पाई जाती है 28S, 18S व 5S राइबोसोम की बड़ी उपिकाई 60S में 28S व 5S पाई जाती है छोटी उपिकाई 50S में 18S कण पाए जाते हैं राइबोसोम की बड़ी उपिकाई लॉन्ग सब यूनिट 60S में
20s व 5s कण पाए जाते हैं, कण तथा 50s में 18s कण होते हैं, कण होते हैं। इसमें शार्कों की मात्रा भी, इसमें शार्कों की मात्रा mRNA व tRNA से अलग होती है, इसमें शार्कों की मात्रा भी tRNA व mRNA से अलग होती है, इसमें साइटोसिन व ग्वानिन की मात्रा अधिक होती है, साइटोसिन व ग्वानिन शार्कों की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें शार्कों की मात्रा tRNA व mRNA से अलग होती है। इसमें ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। साइटोसिन। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, टी आर एन ए ट्रांसफर आरएनए। इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इसकी सेलुलर आरएनए में आरएनए में 10 से 15% मात्रा पाई जाती है। इसका निर्माण 60s प्रकार के राइबोसोम द्वारा होता है, 60s प्रकार के राइबोसोम द्वारा होता है। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वहां उपस्थित एमिनो एसिड के साथ संयुक्त होकर, एमआरएनए की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र पाया जाता है तथा वहां उपस्थित एमिनो एसिड के साथ संयुक्त होकर या जुड़कर एमआरएनए की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। इसका मेन फंक्शन है टीआरएनए का मेन फंक्शन एमआरएनए पर उपस्थित
कोडोन की पहचान करके, कोडोन की पहचान करके, कोडोन की पहचान करके तथा उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से संयुक्त होकर, संयुक्त होकर, एमिनो एसिड से संयुक्त होकर प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के स्थलों तक, स्थलों तक पहुंचाना होता है, पहुंचाना होता है। टीआरएनए, इसे सोल्युबल आरएनए भी कहते हैं, इसके सेलुलर आरएनए में 10 से 15% मात्रा पाई जाती है। इसका निर्माण 60S प्रकार के राइबोसोम द्वारा होता है। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। वहां उपस्थित एमिनो एसिड के साथ जुड़कर एमआरएनए की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। इसका मेन फंक्शन है एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन की पहचान करके, टीआरएनए एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन की पहचान करके उसी के अनुरूप एमिनो एसिड से संयुक्त होकर प्रोटीन संश्लेषण के स्थलों तक पहुंचाना होता है।